ब्र उज़्बेकिस्तान के सदर इस्लामाबाद पहुँचे हैं और अपने दौरे के सिलसिले में वो वज़ी अजम हाउस में मौजूद हैं जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है गार्ड ऑफ़ ऑनर का वो मुआयना कर रहे हैं शौकत मिर्ज़ा यौफ़ पाकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचे हैं वज़ी अजम इमरान ख़ान ने आ उनका शानदार इस्तबाल किया था ख़ुद इस्तबाल किया था एयरपोर्ट गए थे नूर खान एयरबेस पर वज़र अजम पाकिस्तान इमरान खान ने शौकत मिर्ज़ा ओफ़ का आज इस्तबाल किया है रेड कारपेट इस्तबाल उनका किया गया था और अब वज़िर अजम हाउस के ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ उन्हें गाड़ा फोन पेश किया जा रहा है तो उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा ओफ़ वज़र अजम हाउस में मौजूद हैं और वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और अब वजीर आज़म इमरान ख़ान अपनी काबीना के अरकान से मोज़ मेहमान का तारुफ़ करा रहे हैं हम देख रहे हैं कि असद उमर भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं वजी तलीम शफ़त महमूद यहाँ पर मौजूद हैं फ़खर इमाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं सबसे तारुफ़ करवाया जा रहा है वज़ी अजम ख़ुद तारुफ़ करवा रहे हैं अपनी काबीना के अरकान से गर्म जोशी से मुसाफा कर रहे हैं उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मर्ज़ा ऊफ़ और ये वज़ी तजारत जनाब अब्दुलरजाक दाऊद भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी तारुफ करवाया जा रहा है और शिबली फ़राज जिन्होंने नूर ख़ान एयरबेस पर वज़ी अजम के साथ मिलकर इस्तबाल किया था शौकत मर्ज़ा ओफ़ का वो भी यहाँ पर मौजूद है मीद यूसुफ़ साहब से भी हैंड शेक हुआ है उनसे भी मुसाफा किया है मोज मेहमान ने और काबीना के दीगर अरकान प्रिंसिपल सेक्रटरी वजी अजम के आजम खान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी काबीना के अरकान से वजी अजम शौकत मर्ज़ा ओफ का इस तब, शौकत मर्ज़ा ओफ़ उनसे मुसाफ़ा कर रहे हैं उनसे तारफ़ करवा रहे हैं और अब शौकत मर्जा ऊफ अपनी काबीना के अरकान जो उनके साथ इस दौरे में आए हुए मेहमान हैं उन से अजम का तारफ़ करवा रहे हैं वज़ी अजम उनसे मिल रहे हैं मुसाफा कर रहे हैं और ये एक बड़े मिसाली तल्लु वैसे भी हैं उबेकस्तान के हमारे साथ किरण और इन ताल्लुक को और एक नई समत अब देने जा रहे हैं वजी ये, ये किस सिलसिले की कड़ी है ये भी दोहरा देना ज़रूरी है वज़ी अजम ने जुलाई में दौरा किया था उज्बेस्तान का ये उसी की कड़ी है कुछ माहदे तब सए थे ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट सैन हुए थे और कुछ मामलात अब देखने को मिलेंगे या यूं कहिए कि जो वो माहे थे उनके फॉलोअप भी होंगे कुछ ये एक बूस्ट भी मिलेगा हमारी इकोनमी को और यकीनन दोनों ममालिक के रिश्तों को पाकिस्तान का गहरा रिश्ता और भी गहरा हो जाए ये इसकी एक कोशिश है वज़र अजम पाकिस्तान के दौरे के बाद से अब आ, सदर का दौरा उज्बेकिस्तान के उनका यहाँ आना उनको गार्ड ऑफ ऑनर का मिलना उनको जिस तरह से रिसीव किया गया रेड कार्पेट तक लाया गया और अब उनको मिलवाया भी गया है काबीना के दीगर अरकान के साथ में तो माहिदे जो होंगे सो होंगे एम जो होंगे सो होंगे लेकिन इस सब के दरमियान यूं जो हम दिखाते हैं ना इजहार करते हैं अपनी गर्म जोशी का मोहब्बतों का सिफारतकारी का जो हम एक आहंग दिखाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ये भी रिवायात है बिल्कुल आप और आपने जो जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने जुलाई 2021 में उजबेकिस्तान का दौरा किया था ये उसी दौरे का तसलसल है और इसके साथ साथ અમે યે ભી યાદ દિલા દઉં અપને નાઝરીન કો કે ગુજિસ્તા માં इमरान खान કી મુલાકાત ભી હુઈ થી ઉઝબેકિસ્તાન કે सदर शौकत मिर्ઝા યોવ સે બેજિંગ મે જબ શર્માઈ ઓલિમ્પિક્સ કી વિન્ટર ઓલિમ્પિક્સ કી ઉસમે ગયે થે તકરીબ મે ઇફ્તિતાહી તકરીબ મે શરકત karne કે લિયે વઝીર आजम इमरान खान તો વહા પર ભી ઉનસે મુલાકાત હુઈ થી ઓર વહી પર ઇસ દોરે કી દાવત દી થી વઝીર आजम इमरान खान ને शौकत मिर्ઝા યોવ કો જો ઉનહોને કબૂલ કી થી ઓર અબ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હાઉસ મે યે એક રવાયત રહી હૈ કે જો ભી ग़ैर मुल्की मेहमान आता है वो यहाँ पर पौधा लगाता है तो अब शौकत मर्ज़ा ओफ भी यहाँ पर पौधा लगा रहे हैं और इसको यादगार अपने इस दौरे को बना रहे हैं दो रोज़ा दौरा है और जिस तरह कि नाब भी जिक्र कर रही थी यकीनन इकतसदी और माशी लिहाज से ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है भरपूर तैयारियां इस सिलसिले में शौकत मिर्ज़ा ओफ़ के दौरे के सिलसिले में की गई हैं पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारकूमत है वहाँ पर पाकिस्तान और उजबगिस्तान के झंडे भी लगाए गए हैं एक नई सम मिलने जा रही है इस दौरे के ज़रिए पाकिस्तान और उजबकिस्तान के तल्क़ा को और इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजीज़ नहीं मॉडर्नाइजेशन नहीं, नहीं। हम खास पर तामीर के शोबे में भी बात करेंगे पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कई माहदे भी हैं कई तरह से हम उनसे सामान देते भी हैं और लेते भी हैं तमीर के शोबे में भी हमारा अच्छा उनके साथ में रहा है हमेशा अभी भी यही है कि कुछ ऐसे हमारे शोबे हैं कि जिसमें अगर हम उनके साथ में डील करें उनसे सामान खरीदें या वो हमारा सामान खरीदें तो उसमें टैक्स छूट है अब देखना यह कि इसका फ़ायदा हम कितना उठा रहे हैं इसको कितना बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये अगर दोनों तरफ से रहेंगे ऐसे मामला ट्रेड के और एक दूसरे को हम मौका देंगे पूरा पूरा हम एक दूसरे को सहूलत देंगे तो इससे वाकई अगर हम मैयशत की बात करें तो हम नई ऊंचाइयों को छुएंगे और ये वैसे भी पौधा लगाना और यूं एक दूसरे से मिलने की बड़ी अच्छी एनर्जीज होती हैं बिल्कुल और हमेशा से वजीर आजम इमरान खान साहब यही कहते आए हैं और बैनर खामी दुनिया से भी उन्होंने यही कहा है कि हम एड नहीं चाहते एड अब पाकिस्तान उस फेज़ में नहीं है कि उसको एड चाहिए पाकिस्तान अब जो आलमी दुनिया है उसके साथ चलना चाहता है तो हम ट्रेड चाहते हैं तो यही वजह है कि वज़ी अजम इमरान खान जब भी किसी बैरूनी दौरे पर होते हैं या फिर कोई भी सरबराह ममलिकत पाकिस्तान का दौरा करता है तो इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा वज़र अजम की कोशिश होती है कि ट्रेड को किसी तरीके से बढ़ाया जाए पाकिस्तान की आवाम में पाकिस्तान की आवा की पाकिस्तान की आवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं उनको तब्दील किया जाए और ये ट्रेड से भी ही मुमकिन हो सकता है, है। बेहतरी की तरफ लेकर आया जाए यही वजह है कि इमरान खान साहब का इसके ऊपर खासा फोकस होता है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे के भी बेहतरीन नतज सामने आएंगे शौकत मिर्जा यौफ अब वजीरजम हाउस में पहुंच चुके हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर का उन्होंने मुआयना किया और इसके साथ साथ अब जो आगे होने वाली चीज़ें हैं वो भी जरा अपने नाजीम के साथ शेयर कर लें कि वन ऑन वन मुलाकात भी होगी वजीर आजम की शौकत मर्ज़ा ओफ़ से और इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी शौकत मर्ज़ा ओफ़ की मुलाकात होनी है और इस सिलसिले में आज शब इशाइये का भी अहतमाम किया गया है जिसमें जो कारोबारी बरदरी है वो भी इस एशाये में शिरकत करेगी तो मजमुई तौर पर ये एक बड़ा अच्छा दौरा साबित हो सकता है उजबेस्तान के सदर का दौरा पाकिस्तान और अब बात करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में दाखिले के साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी के तो तेवर ही बदल गए हैं हुकूमत को ललकारते हुए कहा है कि को मुस्ताफी होने के लिए पांच दिन की मोहलत दे रहे हैं असम्बलियां तोड़ो और नए इलेक्शन का ऐलान करो पांच दिन में आदम एतम के लिए नंबर पूरे हो जाएंगे कौन इमरान खान को वजीर आजम नहीं देखना चाहती